इधर एएमयू और शाहीन बाग में पूर्वोत्तर राज्यों को देश से अलग करने का बयान देने वाले शर्जील इमाम की यूपी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही। प्रदेश के आईजी लॉ एंड ऑर्डर विजय भूषके के मुताबिक शर्जील की तलाश में पुलिस उसके सभी ठिकानों पर छापे मार रही है। इस दौरान शर्जील की लोकेशन को लेकर पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं और इससे शर्जील की जल्द गिरफ्तारी का कयास लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा पुलिस की नज़र शर्जील के मददगारों पर भी लगी हुई है। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं, पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, आसाम को काटना हमारी जिम्मेदारी। एक तरफ जेएनयू के छात्र शर्जील इमाम का अलीगढ़ का 16 जनवरी का वो वीडियो जिसके आधार पर दावा किया जा रहा है कि शर्जील इमाम ने असम को देश से अलग करने के लिए लोगों को भड़काया, तो दूसरी तरफ उसकी मां कह रही है कि वो बेकसूर है। उसमें इतनी सलाहियत नहीं है कि तोड़ देगा आसाम और ये और वो, कुछ नहीं कर पाएगा वो। और मेरा बेटा लुच्चा बदमाश गुंडा नहीं है, बहुत अच्छा इस शरीफ इंसान है। अल्लाह से और इससे कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि वो अच्छा निकलेगा बन करके इंशाअल्लाह ताला। दिल्ली पुलिस ने शर्जील के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया है। पुलिस दावा कर रही है कि शर्जील ने न सिर्फ अलीगढ़ बल्कि दिल्ली में भी सीए के विरोध के दौरान लोगों को अपने भाषण से उकसाया। कब तक ये सब नहीं करेंगे सारा पे ऐसा रहेगा, ये चिंगारी कहाँ जाएगी, आज कैसे लगेगी? हमारी ख्वाहिश और हमारी आरजू ये है कि दिल्ली में चक्का जाम हो, और सिर्फ दिल्ली में नहीं बकिया जहाँ जिस शहर में मुसलमान कर सकता है, मुसलमान हिंदुस्तान के 500 शहरों में चक्का जाम कर सकता है। ठीक है, क्या मुसलमानों में इसकी हैसियत भी नहीं कि उत्तर भारत के शहरों को बंद किया जा सके? माना जा रहा है कि देश भर में नागरिकता कानून के विरोध में सड़क जाम करने का आइडिया यहीं से आया। 13 जनवरी को शर्जील ने इस तरह का भाषण दिया और 15 जनवरी को शाहीन बाग में धरना शुरू हो गया। इस धरने के बाद शाहीन बाग का इलाका जाम होने लगा। देशद्रोह का केस दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम शर्जील की तलाश कर रही है। क्राइम ब्रांच की 5 टीमें बनाई गई हैं, जो दिल्ली के अलावा पटना और मुंबई में छापेमारी कर रही है। अलीगढ़ वाले वीडियो को लेकर शर्जील को यूपी की पुलिस तलाश कर रही है। शर्जील इमाम बिहार के जहानाबाद का रहने वाला है, जिसने पटना के सेंट जेवियर स्कूल से पढ़ाई की, आईआईटी पवई से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर चुका है, आईआईटी बॉम्बे से लेकर बेंगलुरु और कोपेनहेगन में भी काम कर चुका है, फिलहाल जेएनयू से पीएचडी कर रहा है। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।